हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल निर्मल शारदे। आज मैं आपको क्लास एट पोम नंबर जो वन है द आंट एंड द क्रिकेट उसके वर्ड मीनिंग कराने जा रही हूँ। तो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्ट अवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सिली, सिली का मतलब होता है फुलिश। आपको ये इंग्लिश टर्म्स भी अगर आप याद कर तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि पेपर में सिनोनिम्स आता है, इसलिए मैंने दोनों ही लिखे हैं। सिली सिली मतलब फुलिश है ना, मूर्ख, नासमझ मूर्ख। क्रिकेट मतलब अचर्पिंग इंसेक्ट, एक ऐसा प्राणी जो आवाज़ करता है यानी कि झिंगू है। अकस्टमर्ड टू मतलब यूज्ड टू, अभ्यस्त या आदि होना। सनी डे का मतलब है वार्म, है ना, धूपदार दिन, गर्म यानी गर्मी का मौसम। गे हैप्पी, गे मीन्स हैप्पी, इंपॉर्टेंट मीनिंग है खुश या प्रसन्न, है ना, कोमा है यहाँ पर डे स्टूडेंट, कोमा, खुश या प्रसन्न जैसा आप चाहें पैसा डाल सकते हैं। स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग क्या होता है, सीजन है बिफोर द समर, जो समर से पहले आने वाला सीजन है वो स्प्रिंग सीजन है, इसे हम बसंत ऋतु कहते हैं। कंप्लेन मतलब ग्रम्बल, ग्रम्बल मतलब शिकायत करना। कपबोर्ड, कपबोर्ड का मतलब होता है यहाँ पर, है ना, कपबोर्ड के लिए कबड़ पढ़ते हैं, कबड़, कबड़ का मतलब स्टोर हाउस, यहाँ पर अलमारी, है ना। स्टारवेशन मतलब क्या होता है, भूख मर या भूख, भूख से मरना, डेथ बाई हंगर। फैमिन का मतलब है ग्रेट स्केर्सिटी ऑफ फूड, मतलब भोजन का अभाव होना नहीं, अकाल होना। बोल्ड करेज मतलब साहसी। ड्रिपिंग का मतलब है थ्रोली वेट, मतलब पूरी तरह से आप गीले हैं, तरबतर हैं। ट्रेम्बलिंग यानी कि शिवरिंग, कांपना। सेट ऑफ वेंट, रवाना होना। ग्रांट मतलब गिव यानी कि ऑफर करना, प्रदान करना मतलब। इसके अलावा कुछ और मीनिंग्स है डियर स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, मैं ओरली आपको बोल देती हूँ, जिन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे समर मतलब गर्मी, ग्रीष्म ऋतु जिसे हम कहते हैं। एम्पटी मतलब रिक्त होना, क्रम्ब मतलब टुकड़ा, है ना, एक छोटा सा टुकड़ा भी। स्नो कवर्ड का मतलब है चारों ओर बर्फ से ढका होना। लीफ मतलब पत्ती होना, है ना। वेट मतलब बरसात, यहाँ पर वेट का मतलब क्या है, बरसात होना। ड्रिपिंग मैंने बता दिया, सेट ऑफ आपको बता दिया। माइजरली यानी कंजूर होना, है ना। और इसके अलावा जो कोल्ड वर्ड यहाँ पर आया उसका मतलब है सर्दी। और शेल्टर का मतलब है शरण लेना। माउथफुल मतलब मुंह भर के होता है। डाई मतलब मरना, और रिपे मतलब वापस देना। ग्रेन मतलब दाने होते हैं। ग्रांट मतलब मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, प्रदान करना। या बोरो मतलब क्या होता है, टेक लोन, उधार लेना। बोरो मीन्स टेक लोन, उधार लेना। रिपे, रिपे पे बैक, वापस दे देना। सोरो मतलब ग्रीफ, दुख या कष्ट, है ना। लाइट, जो लाइट का मीनिंग यहाँ पर है वो है केयर फ्री, हल्का, प्रसन्न। लैंड मतलब गिव अ लोन, लैंड मतलब गिव अ लोन, उधार देना। ले बाय, सेव, ले बाय का मतलब सेव करना, कीप फॉर फ्यूचर यूज, है ना, यहाँ पर बचत करना, है ना, बचाना, बचत करना, है ना, लिखना भूल गए थे, करना, बचत करना यानी कि बचाया, फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। डांस द विंटर अवे, इसका मतलब है स्पेंड द विंटर डांसिंग गैली, नाचते नाचते अपनी सर्दी भगाओ, मतलब पूरी सर्दी आप नाचो और अपनी सर्दी भगाओ, खाने को कुछ भी नहीं है तो मत खाओ। हैस्टली मतलब हरिडली यानी कि शीघ्रता से। लिफ्टेड का मतलब यहाँ पर है क्लोज्ड, यानी कि लिफ्टेड मतलब ऐसे उठाया होता है, बट यहाँ बंद कर दिया। विकेट मतलब स्मॉल डोर होता है, जिसे चक्र द्वार या छोटा दरवाजा भी कहा जाता है। फॉक्स पढ़ा जाता है, यहाँ एल साइलेंट है, फॉक्स का मतलब पीपल्स होते हैं, बट यहाँ पर मित्र हैं। फेबल का मतलब है शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल, एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें शिक्षा होती है। हैविंग एनिमल एज इट्स करेक्टर, जिसमें उसके पात्र जो होते हैं वो जानवर होते हैं, मतलब लोक कथा, है ना, दंत कथा जिसको आप बोल सकते हैं। वारंट का मतलब क्या है, अश्योर होता है, मेंटेन भी होता है वारंट का मतलब, और इंसिस्ट भी होता है, यानी कि अगर इनका अर्थ देखें तो जोर देना है, यहाँ पर साबित करना है। क्वार्ट मतलब कहा। इस तरह से डियर स्टूडेंट मैंने जो फर्स्ट फॉर्म थी उसके सारे मीनिंग कराए, कुछ एक मीनिंग और हैं जो कि मैं ओरली आपको बोल देना चाहती हूँ। जैसे कि आप देखेंगे ग्रेन मतलब क्या होता है, दाने। विस्ड मतलब चाहना होता है, है ना। डाई मतलब मरना। शेल्टर मतलब शरण लेना। माउथफुल मतलब मुंह भरकर, यानी कि पैट भरकर कह सकते हैं, थोड़ा सा भी कहीं जहाँ जैसा अर्थ निकल जाए, क्योंकि डिपेंड करता है लाइन्स पर।
इसके बाद में हार्ट है, हार्ट मतलब हृदय है होता है स्टूडेंट। वेदर मतलब मौसम होता है, पुअर मतलब बेचारा होता है। इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मीनिंग मैंने छोड़ा हो, फिर भी अगर कोई मीनिंग अगर छोटा हो तो हिंदी ट्रांसलेशन में जाकर आप देख लें। इस तरह से मैंने सारे मीनिंग्स कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।